गम्बॉल्स का एक पूरा पैकेट, मैं तो इसे यहाँ रखकर भूल ही गया था। कूल, ये तो 6 to 7 फंडू फटाक फ्लायर है। बकवास, ये भी उस पागल स्टीव का है। बात है मेरे बच्चे। हेनरी, रूबी आंटी और तुम्हारा कजिन स्टीव आज हमारे साथ रहेंगे, कितनी अच्छी बात है ना ये। नहीं, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। चलो अब प्यार से खेलो दोनों। सुना ना हेनरी, अच्छे से खेलो। ठीक है, फिर तुम्हारे प्लेन के साथ खेलते हैं। प्लेन वापस कर दो वरना मम्मी को बता दूंगा। ठीक है, शांत हो जा मेरे भाई। मुझे ये सारे गम्बॉल्स दे दो और मेरा प्लेन आज के लिए तुम्हारा। कभी नहीं। ठीक है, फिर मुझे सिर्फ एक दो दे दो और तुम इसे देख सकते हो। ये ले। अच्छा, मुझे एक और दे दो, फिर तुम इसे हाथ लगा सकते हो। बेटा स्टीव, चलो निकलना है हमें। जाना पड़ेगा हेनरी, अपने गम्बॉल्स के लिए थैंक्स। मम्मी, एक रिमोट वाले प्लेन की जरूरत है। तुम्हें रिमोट वाले प्लेन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वो चाहिए। जो भी आप कहो, मुझे रिमोट वाला प्लेन चाहिए। अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। ठीक है ना, फिर मेरी पॉकेट मनी मुझे अभी दे दो ना। और पापा ने हेनरी की पॉकेट मनी 2 साल के लिए बंद कर दी थी, है ना? क्योंकि वो बहुत बुरा लड़का है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया पीटर, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है बच्चे। हाँ, कितनी तेज याददाश्त है तुम्हारी कीड़े। मैं नौकरी करूँ तो आप मुझे घर के कामों के लिए पैसे दे दो ना, जैसे अपना प्लेट सिंक में डालने के। इसके पैसे नहीं मिलेंगे हेनरी। मामा, आपने और पापा ने तो कहा था कि हेनरी को घर के सारे काम करने होंगे पनिशमेंट के तौर पे। हाँ, ये भी कहा था हमने। हेनरी, तुम शुरू कर सकते हो सारे बर्तन धोकर। गुड आइडिया मामा। बस कर कीड़े। मैं तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन मांग रहा हूँ। क्या कहा, प्लेन? मेरे पास भी बचपन में प्लेन था, शायद मुझे प्लेन बनाना अब भी याद है। सच में? हाँ सच में, बचपन में मैंने बहुत सारे प्लेन बनाए हैं। डन डन। वाह क्या बात है, प्लेन क्रैश हो गया पापा। छोड़ो, मुझे सब्जी खरीदने क्यों आना पड़ेगा? पीटर को ले आती ना, उसे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और उसे अपना हैप्पी हिप्पोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और आज टीवी देखने का टर्न उसका है। तो अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। ये गलत है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तुम यहीं पर रुको हेनरी, मैं बस अंदर से अभी आई। कोई शैतानी नहीं। वाओ, ये तो मेरा ड्रीम प्लेन है। पर कितना महंगा होगा। अपने पॉकेट मनी से खरीदने में तो 50,000 साल लग जाएंगे। वाह, इस मस्तीखोर माइक के पास भी अब एक आ गया है आइडिया। फटे माइक, रुको तो। क्या है?
मुझे तुम्हारा प्लेन चाहिए होगा, अर्जेंट है बड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा प्लेन चाहिए था एक बिल्ली को बचाने के लिए, वो ऊपर झाड़ पर फंसी हुई है। ठीक है यार, ऐसे ही दे देना मुझे, एक दिन के लिए दे दे, आधे दिन के लिए, एक घंटे के लिए, बदले में जो चाहे दूंगा तुझे प्लीज। तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा वो क्रंच क्लास जीरो कूल वाला कॉमिक कलेक्शन है सारे के सारे, और उसका वो सुपर बम्पर सांप सीढ़ी वाला एडिशन, सांप का आतंक, और वो इविल एम्परर वाली कॉपी भी है क्या? ओ हाँ, वो वाली तो पक्का है। चल फिर ठीक है, एक घंटे के लिए तो ले सकता है, पर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसे कुछ भी नहीं होगा बाबा, टेंशन मत ले। इतने सारे कॉमिक्स, अरे वाह। वाह, ये कितना कूल है यार। याद रहे हेनरी, संभल कर खेलना। हाँ हाँ। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी रिपोर्टिंग, आज तो आसमान छू लेंगे हम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ओहो, ये कौन सा प्लेन है? ओए, इस पार्क में ये सब मना है। हमें अपना प्लेन कहीं और उड़ाना होगा। चलो स्टीव, चलते हैं। चलो रेस करते हैं हेनरी। नहीं रहने दो, लगता है डर गए। डर? शुरू करते हैं, पहले जंगल में, फिर फाउंटेन से, फिर मैदान के उस पार, और इस पेड़ के पास होगी फिनिशिंग लाइन। तुम्हें लगता है ये करना ठीक होगा? तुम कब से ठीक और गलत की बात करने लगे? नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्लेन की चिंता है, मैं तो रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। ऑन मार्क्स, गेट सेट, गो। ओह, देख के अपना प्लेन उड़ाओ ना। मेरा प्लेन। ए, वापस लाओ प्यारे डॉगी, दे दो ना। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। है तो? नहीं नहीं है, दोनों प्लेन्स की हालत तो देखो यार। तो मुझे तो पैसे मिलने वाला है नया प्लेन खरीदने के लिए, तुम क्या करोगे हेनरी? हाँ मैं क्या करूँगा? बुरा हाल है, इसका एक्सल पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसके प्रोपेलर्स तो 7.5 डिग्री से ऑफ हो चुके हैं। ये बताओ ये रिपेयर हो सकता है? कोशिश तो जरूर करूंगा। अब स्क्रू ड्राइवर, अब पाना दे दो। तो ये फिर से उड़ेगा ना? अभी पता चलेगा 2 मिनट में। ये बात बन गई। हाँ बात बन तो गई थी और बिगड़ भी गई। एक रास्ता है हेनरी। कौन सा रास्ता दोस्त? तुम्हारे कॉमिक्स तो बड़े ही अच्छे हैं हेनरी। मैं तुम्हारा प्लेन लाया हूँ माइक। कूल, पर थोड़ा कम कूल है अब। ये क्या हो गया मेरे प्लेन को? हेनरी ने क्रैश कर दिया जानबूझकर। नहीं झूठ है। ए, सुनो, कहा था ना तुम दोनों से कि यहाँ पर प्लेन उड़ाना मना है। पर वो मेरा प्लेन है। अब नहीं, अब पार्क की प्रॉपर्टी हो गई है। मेरा प्लेन, इसकी हालत तो देखो।
फिक्र मत करो बच्चे। मेरा प्यारा प्लेन। ये लो, ये वाला रख लो। वाह क्या बात है, थैंक यू। ये लो हेनरी, मुझे पढ़ने देने के लिए थैंक्स। तुम्हें भी बहुत बड़ा थैंक्स माइक, और प्लेन के लिए सॉरी। हाँ अरे टेंशन मत लो हेनरी, तुम जब भी चाहो मेरा वाला प्लेन ले सकते हो। मजा आ गया। बाय स्टीवी।